नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद है ग्राम पंचायत सिडौला, जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और जिला फरीदाबाद स्थित है। यहाँ से सरपंच पद के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले नामांकन किया है वो है अजीत सिंह अधाना। सीधे सवाल इनसे ही जानेंगे कि जब आप गाँव में जाएंगे चुनाव के लिए तो क्या बात कहेंगे गाँव के लोगों से? ऐसा हम 2014 में चुनाव लड़े थे जी, निर्विरोध बनाए गए थे, निर्विरोध चुनाव में जीते थे, तो हमने काम किया जी सारा। क्या काम किया जी? मेरा गांव के लोग उसको कहेंगे ना जी, आप बिल्कुल पूरा गांव को सारे को बता जी। नहीं, फिर भी आप हमारे माध्यम से बता दें, वो तो ठीक है, पता है भाई। रोड वोडों का किसी के कोई भी काम है, हमने तो यहाँ सारे काम निपटाए हैं जी। अच्छा, गांव में ही जी। अच्छा चलिए ठीक है, अब चार पांच कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, आप सबसे अच्छे उम्मीदवार क्यों हैं ये बताओ गांव के लोगों से, क्योंकि सभी ये कहेंगे हम विकास करेंगे, लेकिन आपको लोग क्यों चुने? जो चुनेंगे, हमने काम किया। अच्छा बिल्कुल, इसलिए इसलिए चुनेंगे। कोई अपील करना चाहेंगे गांव के लोगों से? गांव से अपील ये हमारी, क्या अपील अपील करें आप बताएं? ये भाई, वो हमें वोट देंगे और क्या, उन्होंने हमें खड़ा किया। कोई आपसे पूछा जाए कि कुछ चुनाव चिन्ह अपना मनपसंद कोई लेना चाहेंगे, अगर चुनाव आयोग आपसे पूछता है तो? ना, जो मिलेगा हम तो उसी पे गांव के लोगों से पूछ लेते। चाचा किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? अजीत भाई साहब को चुनेंगे जी। क्यों जी? अच्छे काम करता है, गरीब के साथ देता है। कोई काम बताएं, कोई ऐसा है जो आपको लगे कि आने वाले सफल समय ये काम कराएंगे? आने वाले जो बाकाया थोड़ा बहुत रह रहा है उसको कराएंगे। अच्छा हाँ जी, आप बता दीजिए क्या चाहते हैं, कैसा सरपंच चाहिए और कैसे, आप बताएं कैसा सरपंच चाहिए? आप युवा हैं, आप बता दीजिए, परिवार से हो ठीक है, आप बता दीजिए आने वाले टाइम में सरपंच से क्या चाहते हैं आप? हमारे पिताजी है जी। हाँ ठीक है, तो उन्होंने बहुत काम वाम करा है गाँव में, हमारे गांव की सभी गलियां, रोड वोड, नालियां वालियां, जो भी कुछ 2014 में हमारे पिताजी बने थे तभी वो काम हुआ था, उसके बाद हमारे गांव में ऐसा कोई काम अच्छा हुआ नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, गांव में युवाओं के लिए कुछ चाहिए आपको? अगर मान लो आपके पिताजी बन गए तो आप क्या करवाओगे सबसे पहले इनसे, युवाओं के लिए बताओ? युवाओं के लिए क्या, अभी बस हमारे गांव में कुछ थोड़ी सी वो है शमशान घाट की और कुछ वो दिक्कतें, तो वो ही लेके आएंगे। आप बताइए। हम क्या जी, हमारे सरपंच साहब पहले भी बढ़िया अच्छा काम कर रहा था, अब भी उन्हीं को चुनेंगे। हमारे लाइट वाइट, हेडपम्प, पानी वानी सब सुविधा अच्छी करी थी। आप बताएं चाचा कैसा सरपंच चाहिए आपको? सरपंच अजीत चाहिए। नहीं, अजीत मतलब क्यों चाहिए, कोई कारण तो होगा? कारण जो है काम करे। अच्छा, इसलिए आपको? हाँ, बढ़िया काम करे और आगे बढ़िया करेगा। सरपंच साहब आप एक बात बताओ, अगर आपको जनता आशीर्वाद दे के बना देती दोबारा, ठीक है, तो आप पहला काम क्या करना चाहेंगे सबसे पहले गांव के लिए? सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले काम होगा जी, हमारे गांव में 575 कनाल जमीन है पंचायत की। अच्छा, वो घिरी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवैध कब्जे मुक्त कराएंगे। उसके बाद? उसके बाद उसमें स्टेडियम बनेंगे जी, बच्चों के लिए सारी सुविधा होंगी। अच्छा, गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना है कि जैसे कि कोई भूमिहीन कोई गरीब हो? हाँ, उसके लिए कोई प्लॉट व्लॉट कोई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को प्लॉट भी हमने दे भी रखे हैं। अच्छा, हैं जी, और आपके कार्यकाल में दिए? हाँ जी बिल्कुल दिए। अच्छा, आगे? आगे उनको अब रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने करी दी है, जो भी गरीबों के लिए। अब तो पहले उनपे अपने जमीन नहीं थी, अब तो सबको जमीन दे दी गवर्नमेंट ने। तो अब गाँव में कोई भूमिहीन नहीं है कोई आपके यहाँ? है, बहुत भूमि है। नहीं, मेरा भूमिहीन का मतलब जो लोग बिना, जिनके पास जमीन ना हो, घर ना हो, किराए पर रह रहा हो, गरीब हो। ना ना, ऐसा अब कोई नहीं है। अच्छा, आप सबके पास है। और गांव की पंचायत की इनकम क्या है, आप कुछ बताओ? अभी फिलहाल कुछ नहीं थी जी, नहीं, सरकारी ग्रांट पे चलता सारा। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरों में, आप देखा कि अजीत सिंह अधाना को सुना, पूर्व में सरपंच रह चुके हैं,